ओके जी, हमारा आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 के हवाले से, दैट इज़ इवेपोरेशन। बहुत ही इजी था कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी डेप्थ हमें समझनी है कि ये होता क्या है। इवेपोरेशन हमें पता है कि जब भी हम कोई सी लिक्विड को खुला छोड़ देते हैं तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। आपकी ज़मीन पे किसी वजह से पानी गिर जाए, थोड़ी देर बाद खुश्क हो जाता है, तो वो वाटर किधर जाता है? वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन का सिंपल जो लफ्ज़ी मीनिंग है, जो हम सबको पता है, दैट इज़ कि जब भी कोई चीज़ लिक्विड फेज से गैस फेज में जाती है तो प्रोसेस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। हम कहते हैं कि इवेपोरेशन हुई है, लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो गया। अब हम चलते हैं इसकी केमिस्ट्री के अंदर, के एग्जैक्टली इवेपोरेशन के अंदर हो क्या रहा होता है। सपोज़ करते हैं हम कि ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर ये हमारे पास लिक्विड जो है वो मौजूद है, और लिक्विड के बेशुमार इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। अब हमें पता है कि जौन से आपके लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। इनकी मूवमेंट जौन सी है कॉन्स्टेंट है, हर वक्त ये किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और इनकी जो सी एनर्जी होती है ना, दैट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। एनर्जी इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। हो सकता है किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा हो, किसी की कम हो, तो एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है तमाम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर वो इक्वल नहीं है, वो कम और ज़्यादा हो सकती है। किसी की एनर्जी जो है वो कम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, किसी की ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। अब जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोशन। जो जितनी तेज़ी से मूव कर रहा है उसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा है, और जो जितनी स्लोली मूव कर रहा है उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कम है। अब क्या होता है कि समटाइम्स एक हाई एनर्जी का जो मॉलिक्यूल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो क्या होता है, वो मूव करता करता, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये हमारा जो मॉलिक्यूल था इसकी एनर्जी जो थी बहुत ज़्यादा थी, ये मूव करता हुआ सरफेस पे आएगा और सरफेस से एस्केप कर जाएगा बाहर। समटाइम्स क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, हाई स्पीड मॉलिक्यूल, सरफेस पे पहुंच के सरफेस को छोड़ देता है, सरफेस से एस्केप कर जाता है अपनी सराउंडिंग की तरफ, अपने बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो लिक्विड के अंदर मौजूद थे बेशुमार मॉलिक्यूल्स, उनको छोड़ के वो लिक्विड से बाहर आ जाता है गैसियस फॉर्म में, वेपर की शक्ल में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इंटू वेपर्स और गैस फेज इज कॉल्ड वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। अब स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? स्पॉन्टेनियस वो काम है जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, जो खुद ब खुद हो रहा है, हमें उसको करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा। अब आपको पता है कि इवेपोरेशन जो है वो हर वक्त हर टाइम पर होती है। आप जो अपने कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं, वो कुछ देर के बाद उनमें से पानी उड़ जाता है, वो किधर जाता है? वो इवेपोरेशन है। तो वो कह रहे जी इवेपोरेशन कंटिन्यूस एट ऑल टेम्परेचर्स, तमाम टेम्परेचर्स के ऊपर आपके पास जो सी आपकी इवेपोरेशन है वो कंटिन्यू रहेगी, वो होती रहती है। आपका जो लिक्विड है वो उड़ता रहता है, गैस फेज में आता रहता है। तो ये डेफिनेशन होगी द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर्स इज कॉल्ड वेपोरेशन, और ये हर टेम्परेचर के ऊपर कंटिन्यू रहती है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये है जी कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। कभी आप नहाने के बाद जब पंखे के नीचे बैठते हैं आके, तो आपको जो सी है वो ठंडक का एहसास होता है, कूलिंग का एहसास होता है। उसकी वजह क्या होती है कि आपके जिस्म पर मौजूद जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो रहा होता है, और इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इसकी केमिस्ट्री क्या है कि इवेपोरेशन किस तरीके से कूलिंग करती है, उसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक लिक्विड है। अब इस लिक्विड में से कुछ मॉलिक्यूल जो उनसे थे जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी वो तो निकल गए बाहर, वो तो बन गए वेपर। अब पीछे जो मॉलिक्यूल लिक्विड में रह गए
वो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास एनर्जी कम थी। लो एनर्जी मॉलिक्यूल आर लेफ्ट बिहाइंड। अब इनका जो टेम्परेचर है, क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, और हम ये थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अब पीछे जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी कम है, कम एनर्जी का मतलब टेम्परेचर भी कम। तो ये जो पीछे वाला लिक्विड है ये क्या हो जाएगा? ठंडा, इसका लो टेम्परेचर हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। अब ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया पानी के या कोई भी लिक्विड है जो वेपराइज हुआ, पीछे जो चीज़ हो गई वो रह हो गई ठंडी, कोल्ड, लो टेम्परेचर। अब इसके लो टेम्परेचर को फिल करने के लिए ये जो बाहर हमारी सराउंडिंग है यहाँ से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इसके अंदर। जो टेम्परेचर का चेंज आया उस टेम्परेचर के चेंज को फिलअप करने के लिए बाहर से जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी आपके इस लिक्विड को। अब जब लिक्विड को हीट जो होती है वो बाहर से आएगी तो सराउंडिंग की अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी? लो, क्योंकि इसने अपनी हीट इसको दे दी। अब लो होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गई? कूलिंग। इन रिजल्ट सराउंड का टेम्परेचर जो होता है वो फॉल कर जाएगा। यही वजह है कि जब आप नहा के आते हैं तो आपके सरफेस के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर जो वाटर मौजूद होता है वो जब इवेपोरेट होता है, तो जब इवेपोरेट हो रहा होता है तो जो पीछे थोड़ा बहुत पानी बचता है उसकी उसका टेम्परेचर जो होता है वो लो हो जाता है। उसके लो टेम्परेचर को फिलअप करने के लिए आपकी बॉडी से हीट निकल के उस वाटर तक आ जाती है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और आपको ठंडक का एहसास होता है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि इवेपोरेशन की कूलिंग का फिनोमिना क्या है या कैसे होती है। अब हम देखते हैं वो रेट्स या वो चीज़ें जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट कर रही हैं, फैक्टर्स दैट इफेक्ट इवेपोरेशन, जो कि वो फैक्टर्स हम देख रहे हैं लगे हैं अभी के जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज सरफेस एरिया। अब इवेपोरेशन बेसिकली एक सरफेस फिनोमेना है। आपकी जितनी बड़ी सरफेस होगी उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। कभी आपने नोटिस किया हो आपके घर में या किसी भी जगह पे, फर्श पे समटाइम्स, या किसी भी टेबल पे, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं जी टेबल पे पानी गिर जाता है थोड़ा बहुत। अब उस पानी को खुश करने के लिए हम नॉर्मल प्रैक्टिस है, आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, अगर वो पानी का ये एक ड्रॉप है तो हम इसको इस सरफेस के ऊपर जो है ना इसको फैला देते हैं, हम उंगली से या किसी भी चीज़ से ना हम उसको फैला देते हैं। फैलाने से क्या होता है कि जितनी जल्दी इसने खुश्क होना था उससे कहीं ज़्यादा जल्दी जो है ये फैला हुआ वाटर जो है खुश्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हुआ है, इंक्रीज सरफेस एरिया। आपने क्या किया, आपने उसको फैला के उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सिंपल सी बात है कि ये एक लिक्विड था, इसके अंदर जो निकलने के मौके हैं मॉलिक्यूल्स के इवेपोरेट होने के वो कितने हैं वो इस एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको उठा के मैंने एक बड़े कंटेनर में डाल दिया है तो अब ये जो एरिया है जिससे चांस बाहर है मॉलिक्यूल के निकलने का वो बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया मोर इवेपोरेशन। अब दूसरी जो चीज़ है वो डिपेंड करती है जी टेम्परेचर। अगर तो इर्द गिर्द का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपके पास इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर ठंडा है तो इवेपोरेशन उतनी स्पीड से नहीं होगी। इसकी मिसाल आप यूँ समझें कि अगर बारिश हुई हुई है या हवा में नमी है या ठंडक है तो हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी खुश्क नहीं होते, वेयर एज गर्मियों में 2-3 घंटों के अंदर आप का जो कपड़े वगैरह हैं वो खुश्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अब इसकी साइंस क्या है कि टेम्परेचर जब बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये जो सराउंडिंग है इसके, इसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ये टेम्परेचर इनके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देगा। बाहर के टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो इनके यहाँ से बाहर निकलने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा चांसेस उतने ज़्यादा इवेपोरेशन, और टेम्परेचर बढ़ाने से पता चला कि इवेपोरेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। और तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर तो किसी चीज़ के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ही वीक हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो वो आसानी से निकल जाएगा, उड़ जाएगा, इवेपोरेशन स्पीड अप हो जाएगी। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं
तो फिर क्या होगा, इवेपोरेशन जो है वो कम होगी। फॉर एग्जांपल आप एक कंटेनर लें, इसके अंदर आपने सपोज करें 10 ml वाटर रख दिया, और सेम कंटेनर के अंदर आपने उसी तरह से 10 ml ऑफ पेट्रोल, जिसका साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम गैसोलीन हम उसको कहते हैं, अगर आपने गैसोलीन 10 ml लिए, 10 ml पानी लिया और उसे रख दिया, तो कौन जल्दी खुश्क हो जाएगा? पेट्रोल फ़ौरन उड़ जाएगा पानी की नस्बत। पानी भी उड़ेगा लेकिन पानी का एवेपोरेशन स्लो हो रही है पेट्रोल की नस्बत। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सी इंटर मोलिकुलर फोर्सेज हैं वो क्या हैं, वीक इंटर मोलिकुलर फोर्सेज। जबकि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्सेज हैं, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के अंदर और फोर्सेज हैं, जिसकी वजह से इसकी वेपोरेशन जो सी है वो स्लो इवेपोरेशन है, और इसकी जो सी है वो फास्ट है। बस पता क्या चला कि पहली चीज़ है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाओगे एवेपोरेशन बढ़ जाएगी। सेकंड इज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे एवेपोरेशन बढ़ जाएगी। एंड थर्ड वन इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये जितनी ज़्यादा होंगी एवेपोरेशन उतनी स्लो होगी। इसका उल्टा रिलेशन है और बाकी दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये था इवेपोरेशन क्यों होती है, कूलिंग और ये सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इवेपोरेशन ही से रिलेटेड है, एंड दैट इज़ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है? आपने सपोज किया कि ये आपके पास एक कंटेनर था, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स थे, आपने इसको छोड़ा, इसमें से वेपर जो हैं वो बाहर निकलते रहे। अब ये ऊपर से खुला हुआ था, तो वेपर जो हैं ऊपर से चलने वाली एयर के साथ फ्लो कर गए, मूव कर गए। लेकिन अब आपने सिस्टम को क्या किया, आपने सिस्टम को कर दिया क्लोज। अब जो आपका सिस्टम है वो क्लोज है, ये आपका वाटर था या कोई भी लिक्विड था, इसके अब ये क्लोज सिस्टम है, इसके जो से वेपर बनेंगे वो बाहर नहीं जा सकेंगे, वो एस्केप नहीं कर सकेंगे, वो आपके सिस्टम के अंदर ही रहेंगे। अब ये जो उनसे वेपर्स हैं, ये जो आपके वेपर्स मौजूद हैं, ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये आपके कंटेनर की वॉल्व के साथ भी टकरा रहे हैं, और आपकी ये जो लिक्विड की सरफेस है, ये जो लिक्विड सरफेस है, इसके साथ भी इक्वली आके टकरा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बाउंड्री है उनके लिए। सही है। अब ये जो वेपर्स आपके चारों डायरेक्शन में टकरा रहे हैं, ये आके लिक्विड की सरफेस के साथ भी टकराएंगे। अब इक्वल चांस है कि वो मॉलिक्यूल जो कि यहाँ से लिक्विड से निकल के वेपर में गया था, वो वापस जो है वेपर से लिक्विड में आ जाए, ये भी चांस है कि ये जो है ये वापस इधर आ जाए। अब जब ये यहाँ से वापस लिक्विड में आएगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसको कहते हैं, जब लिक्विड में वापस आ जाए वेपर, उसके भी इक्वल चांसेस हैं। तो ये तो हो गया कंडेंसेशन। अब चूंकि सिस्टम जो है आपका वो क्लोज्ड है, तो वेपर प्रेशर जो क्या होगा कि वो वेपर या वो प्रेशर जो वेपर्स जो होते हैं मौजूद आपके क्लोज सिस्टम के अंदर, वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर लगा रहे हैं। अब सपोज़ करें जी कि हमारे पास ये एक हमारा सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड मौजूद है। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो होते हैं लिक्विड से वेपर्स के अंदर मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहे हैं। अब एक वक्त ऐसा आएगा जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जिस वक्त नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि मूव कर रहे हैं, मूविंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज, जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से यहाँ पर जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम तब होगा जब उतने ही मॉलिक्यूल वेपर फेज से वापस लिक्विड फेज में आना शुरू हो जाएं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग फ्रॉम, कहाँ से भी बराबर हो जाएं उसके, वेपर से लिक्विड में आने वाले,
मतलब क्या हुआ इसका कि जब इवेपोरेशन जो है वो बराबर हो जाए कंडेंसेशन के, तो आप कहेंगे कि अब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे आ गया है, मतलब जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर बन रहे थे उतने ही वापस वेपर से लिक्विड में आ रहे हैं कंडेंस होके। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, वेपर प्रेशर इज दैट प्रेशर विच इज दैट इज एग्जर्टेड बाय वेपर्स, जो कि वेपर्स जो से हैं एग्जर्ट करें, एग्जर्टेड बाय वेपर्स ऑन लिक्विड सरफेस, लिक्विड की सरफेस पे, कब, एट इक्विलिब्रियम, कि जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो उस वक्त जो वेपर्स आपके लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे दैट इज वेपर प्रेशर। तो ये वो टाइम होता है जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग द सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक इनटू द लिक्विड। तो ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो आपके बुक में उसने मेंशन किया है जी कि अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करेगा आपका वेपर प्रेशर, और आपका जो वेपर प्रेशर है वो उस पे भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ये अगर आपने छोटा सिस्टम लिया है और एक आपने बड़ा सिस्टम लिया है, और एक तरफ आपने सेम सिस्टम में कम और एक में आपने सेम सिस्टम में ज़्यादा वाटर लिक्विड ले लिया है, तो भी आपका वेपर प्रेशर जो है दोनों केसेस में वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, और इक्विलिब्रियम जब आता है उस वक्त आपके जितने मॉलिक्यूल बाहर जा रहे होते हैं उतने ही वापस आ रहे होते हैं। तो मतलब जितनी वेपोरेशन ज़्यादा होगी कंडेंसेशन भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी और वेपर प्रेशर आपका चेंज नहीं होगा। वेपर प्रेशर जो डिपेंड करता है वो करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर जो है मेरे पास बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि काइनेटिक एनर्जी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो इस सरफेस को छोड़ के निकल के लिए उनकी एबिलिटी जो है या उसके जो चांसेस हैं सरफेस छोड़ के बाहर जाने के वो भी बढ़ जाते हैं, और इस वजह से वेपर प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा वेपर होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमने क्या साबित किया कि जो है आपके पास वेपर प्रेशर वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, और इसकी जो सी है मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में एक टेबल देके बनाई गई है कि 0 से लेके 100 डिग्री सी तक जो है टेम्परेचर वो 4 टॉर से लेके 760 टॉर तक बढ़ा है। तो उसमें 10-10 के इंटरवल के बाद उसने एक टेबल बनाया हुआ है, पहले 10 इंटरवल में कम बढ़ा, अगले 10 में उससे ज़्यादा, उससे अगले 10 के इंटरवल में उससे ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से लेके 10 तक अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर जो बढ़ा वो बढ़ा 4 से लेके 9 तक। आप जब गए 10 से 20 तो ये चला गया 9 से लेके 17 तक, मतलब डिफरेंस कितना आया, यहाँ पर आया 5 का तो यहाँ पर आ गया 8 का। और इसी टेबल को अगर आप एंड पे स्टडी करें तो जो आखिरी इंटरवल है 90 से लेके 100 डिग्री सी तक, तो आपका जो वेपर प्रेशर गया वो 527 से 760 तक चला गया, 527 से 760 पे चला गया। तो मतलब कितना इसका वो कितना हो गया, अराउंड 233 जो है आपका फ़र्क आया। तो ये बात भी वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर उतनी स्पीड से ज़्यादा बढ़ता जाएगा, कॉन्स्टेंटली ये नहीं बढ़ता। ये तो हो गया जी वेपर प्रेशर और उसकी वजह। फिर तीसरी चीज़ आती है वेपर प्रेशर जिस पे डिपेंड कर रहा है, वो है जी इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। अब वो जाहिर सी बात है इंटर मोलिकुलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी उतना वेपर प्रेशर जो है वो आपके पास कम होगा, क्योंकि उतने वेपर्स उसके लेट बनेंगे। तो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस का उल्टा रिलेशन है। अब हमारा जो आखिरी इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ मेयरमेंट, कि हम जो है
वेपर प्रेशर को मैयर कैसे करते हैं, उसका एक मेथड जो है आपके पास आपकी बुक में उसने मेंशन कर दिया है, उस मेथड को हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो कई सारे मेथड हैं, लेकिन आपकी बुक में जो डिस्कस कर रहा है दैट इज़ मैनोमेट्रिक मेथड। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि आप मेरे सबको पता होगा कि मैनोमीटर क्या होता है। मैनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच मेयर्स प्रेशर। प्रेशर को किसी भी चीज़ के मेयर करने के लिए हम मैनोमीटर यूज़ करते हैं। इसकी वर्किंग का प्रिंसिपल थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा दूं। एक इस तरह से यू शेप्ड की वो होती है ट्यूब, यहाँ से वो प्रेशर आता है जिसको आपने कैलकुलेट करना होता है, प्रेशर टू बी कैलकुलेटेड, और यहाँ से इसके ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इसके दरमियान जो है वो हमने एक लिक्विड भरा होता है। दैट इज़ वो लिक्विड कौन सा होता है, नॉर्मली हम मरकरी यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है और यहाँ से एटीएम, इन दोनों कॉलम्स के ऊपर हम ये जो आपकी मरकरी है उसकी लेंथ जो सी है ना, ये हम मेजर कर लेते हैं कि इसके कॉलम में, इस साइड वाले कॉलम में और इस साइड वाले कॉलम में कितना हाइट का फ़र्क है, और फिर उससे हम जो है डेल्टा एच चेंज इन हाइट, उससे हम प्रेशर ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो होता है मैनोमीटर। अब मैनोमीटर मैथ को हम यूज़ करते हुए अपना ये जो वेपर प्रेशर है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसका क्या तरीका होता है वो आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ है, और हम उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। ये आपके पास एक फ्लास्क है जिसके अंदर आपका लिक्विड है, यहाँ से आपका वेपर जो है वो बाहर जाएगा। ये आपके पास आगे आ गया एक मैनोमीटर, ये आपके पास फ्लास्क था, फ्लास्क के अंदर ये रहा लिक्विड आपका, ये फ्लास्क थी, ये आपका लिक्विड है, राइट। और आपने इसको क्या किया हुआ है, आपने इसको एक बीकर के अंदर जो है वो रखा हुआ है, और बीकर के अंदर भी एक मिक्सचर है, ठीक है जी, ये एक और मिक्सचर है, और ये आपका जो है लिक्विड है, ये आपके पास मैनोमीटर है। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली ये जो सिरा है दैट गोज़ टू वैक्यूम पंप, और ये जो है ये जा रहा है मैनोमीटर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये जो है आपका हाइट आ रही है उसकी, ये आपका भरा हुआ है किससे, मरकरी से, मरकरी। अब होता क्या है, आप सबसे पहले ये आपका लिक्विड जो मौजूद है इसके अंदर, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इस लिक्विड को आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसमें से सारी की सारी एयर, यहाँ पे एयर है ना मौजूद, इस एयर को आपने उठाना है और बाहर निकालना है, क्योंकि हमने वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना ना, तो अगर तो वेपर प्रेशर उसी वक्त फाइंड आउट हो सकेगा जब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेपर हो। अगर मैं वेपर के साथ मेरे पास एयर भी आना शुरू हो गई तो एयर भी इस प्रेशर को, एयर का भी एक प्रेशर होगा, तो फिर मेरे पास वेपर प्रेशर की रीडिंग सही नहीं आएगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एयर को रिमूव करूँगा। एयर को कैसे रिमूव करूँगा, मैं इसको करूँगा फ्रीज़, ये जो मिक्सचर है दिस इज़ फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर है, इसके अंदर जब इसको रखूँगा मेरा लिक्विड फ्रीज़ हो जाएगा। जब ये लिक्विड मैंने फ्रीज़ कर लिया, फिर मैं यहाँ से वैक्यूम पंप को चलाऊँगा और सारी एयर को निकाल के बाहर कर दूँगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको वापस मेल्ट करूँगा। अब मेल्ट करने से क्या होगा कि जो थोड़ी बहुत एयर जो थी इसने सॉलिड बनते वक्त, फ्रीज होते वक्त इसके अंदर फंस गई थी, ट्रैप हो गई थी, वो बाहर निकला है जब ये वापस लिक्विड बनेगा। अब मैंने जब इसको मेल्ट किया, थोड़ी सी एयर और बाहर आ गई, वो भी मैंने बाहर निकाल दी, फिर मैंने इसको दोबारा फ्रीज़ किया। इसी तरह मैंने दो तीन दफ़ा क्या किया, फ्रीजिंग और मेल्टिंग दो प्रोसेस बार बार किए, और जो अंदर फंसी हुई एयर थी उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब जबकि सारी एयर मैंने बाहर निकाल दी, ये मेरे पास लिक्विड था, अब इसमें से सारी एयर जो सी है वो बाहर निकल चुकी है, ये यहाँ पे वैक्यूम पंप था, और ये मेरे पास जो है मैनोमीटर मैंने अप्लाई किया हुआ है।
अब मैनोमीटर के ऊपर यहाँ पे जो है बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, और अंदर अब इसके सिर्फ और सिर्फ वेपर है, एयर जो थी है वो बाहर निकल गई है। अब मैंने इसको फ्रीज़ नहीं करना, अब मैंने इसको उस टेम्परेचर तक लेके जाना है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज़ टू बी मैयर्ड। वो प्रेशर, वो टेम्परेचर पे मैं जाऊंगा जिस पे वेपर प्रेशर मुझे मैयर करना है। फ्रीजिंग और मेल्टिंग हमने इसलिए की कि सारी की सारी एयर रिमूव हो जाए। अब मैं इसको उस टेम्परेचर पे लेके जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने देखना है 50 डिग्री सी पे मेरे लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना आता है, तो मैं इसको 50 डिग्री सी पे ले जाऊंगा इसको गर्म करके। और उसके बाद फिर मैं मैनोमीटर से ये जो डेल्टा एच है, ये जो रीडिंग का फ़र्क आएगा, ये वाला, ये जो डेल्टा एच है दोनों के अंदर हाइट का जो डिफरेंस है ये वाला, इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा। अब यहाँ पे एक इक्वेशन उसने बताई हुई है, पी ए पी इज वेपर प्रेशर जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं इज इक्वल टू पी ए प्लस डेल्टा एच। ये आपके पास मैनोमीटर की ट्यूब थी, या ये सपोज कर लें कि आपके पास जो है उसका मार्क आ रहा है वेपर प्रेशर, यहाँ से वेपर आ रहा है ना, तो ये एक मार्क है और दूसरा जो मार्क है वो मैं कह देता हूँ जी ये है, तो ये मेरे पास डेल्टा एच आ गया, इतनी इतनी हाइट का जो है वो डिफरेंस आ गया। अब यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज़ पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जाहिर सी बात है ये जो वेपर प्रेशर आ रहा है यहाँ पे, वो एक तो इस लिक्विड को नीचे मूव करेगा, और दूसरा सिर्फ इस लिक्विड को मूव नहीं करेगा, प्लस वो इस वाले प्रेशर को भी बियर करेगा जो इसके ऊपर ऑलरेडी लग रहा है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर आ रहा है उसको भी। अब ये लिक्विड जब ऊपर जाएगा यहाँ से, तो ये अपने साथ इस वाले प्रेशर को भी मूव करेगा, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है, ये जो पी है, ये वेपर प्रेशर है, ये बराबर होगा चेंज इन हाइट के प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये इस तरीके से, इस इक्वेशन की मदद से डेल्टा एच आपने जो है वो इस मैनोमीटर से निकाल लिया, पी ए आपको पता है नॉर्मली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो आपके पास वेपर प्रेशर आ जाएगा, और 50 डिग्री सी पे हम कर रहे थे तो 50 डिग्री सी पे आ जाएगा, जिस टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उस टेम्परेचर पे आपके पास जो है वेपर प्रेशर आपके लिक्विड का आ जाएगा। तो ये मैनोमेट्रिक मेथड था जिसके नतीजे, जिसके थ्रू हम सिंपल, इसमें मुश्किल कोई नहीं है, मैनोमीटर ही इस्तेमाल किया है, लेकिन सिर्फ शुरू में थोड़ा सा हमने उसको फ्रीजिंग मेल्टिंग वाला प्रोसीजर बार बार किया ताकि उसके अंदर जो एयर है वो सारी की सारी बाहर आ जाए, क्योंकि अगर एयर मौजूद रहेगी तो यहाँ पे अगर वेपर प्लस एयर आ रही होगी तो फिर ये जो रीडिंग हमारे पास आएगी ये सिर्फ वेपर प्रेशर नहीं होगी, वेपर प्लस एयर का प्रेशर होगा, तो हमें तो सिर्फ वेपर प्रेशर चाहिए, तो मुझे एयर को रिमूव करना पड़ा, वो हमने शुरू में कर लिया, और उसके बाद हमने उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर लेके जाके मैनोमीटर से रीडिंग लेके इस इक्वेशन के मदद से ये वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये था हमारा वेपर प्रेशर होता क्या है, इस टॉपिक में हमने जो चीज़ें देखी, एवेपोरेशन क्या होती है, एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, उसके हमने फैक्टर्स देखे कि किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करती है, और फिर हमने उसके बाद बॉइलिंग वेपर प्रेशर को समझा, वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे जाके जब वेपर कंडेंसेशन और वेपोरेशन बराबर हो जाए तो उस वक्त जो वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड की सरफेस के ऊपर दैट वुड बी द वेपर प्रेशर, और फिर हमने वेपर प्रेशर को मेजर करने का मेथड समझा, और वो था मैनोमेट्रिक मेथड जिसमें हम मैनोमीटर यूज़ करते हैं जिसके अंदर मरकरी होती है, और उसके हाइट का डिफरेंस लेके हम इस इक्वेशन के थ्रू उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट वेपर प्रेशर।